छत्तीसगढ़ कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह के खिलाफ एफआईआर मामले को लेकर कांग्रेस के बड़े नेताओं में ही जुबानी जंग तेज हो गई है। वहीं छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच काफी दिनों से खींचतान चल रही है। कुछ दिन पहले ही स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली आगमन के कारण छत्तीसगढ़ में राजनीति सरगर्मी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव में ढाई ढाई साल को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए खींचतान चल रही है। वहीं बिलासपुर में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के करीबी पंकज सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर मामले में अब कांग्रेस में ही घमासान शुरू होता दिख रहा है। पंकज के समर्थन में उतरे विधायक शैलेश पांडे ने जहां इस पूरी कार्रवाई को बदले की कार्रवाई बताया था, अब शैलेश के इस बयान को कांग्रेस के ही प्रदेश महामंत्री और पर्यटन मंडल अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बताया है। अटल ने कहा है कि विधायक का यह बयान अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। बुधवार को मीडिया से चर्चा करते हुए अटल ने कहा कि विधायक के बयान पर पार्टी में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस ने कार्रवाई की है तो यह न्याय संगत है। पुलिस पे कार्रवाई करने का कोई दबाव नहीं है, ये पुलिस की कार्रवाई का हिस्सा है। बिलासपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष प्रमोद नायक ने कहा, जो भी गतिविधियां हुई है उसकी जानकारी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को दे दी गई है। इसमें घटनाओं का ऑडियो वीडियो भी शामिल है। आगे की कार्रवाई हाईकमान तय करेगी। बुधवार को शहर के कोतवाली थाने में जमकर बवाल हो गया था। यहां बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता थाने में जमा हो गए थे। सभी नेता पंकज सिंह के खिलाफ दर्ज मामले का विरोध कर रहे थे। इसी थाने में मंगलवार रात पंकज के खिलाफ छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान के टेक्नीशियन ने थप्पड़ मारने की शिकायत की थी और पुलिस ने मामला दर्ज किया था। टेक्नीशियन तुलाराम तांडे ने मंगलवार को कोतवाली में मारपीट की शिकायत की थी। उसने पुलिस को बताया कि मसानगंज इलाके के एक मरीज सिर में चोट के कारण CIMS में भर्ती थे। उनका MRI होना था। मरीज के परिजन इसके लिए जल्दी कर रहे थे। मैंने उन्हें इंतजार करने को कहा तो उन्होंने पंकज सिंह को बुला लिया। पंकज सिंह ने आते ही उसे गाली गलौज की और बाहर ले जाकर थप्पड़ मार दिया था। इस बात का पता चलते ही बुधवार सुबह कांग्रेसी भी थाने पहुंच गए थे। दोपहर को शहर विधायक शैलेश पांडे के साथ पंकज सिंह थाने में गिरफ्तारी देने पहुंच गए थे। पंकज ने कहा था कि बिना जांच किए एक तरफा मामला दर्ज किया गया है। थाने पहुंचे विधायक शैलेश पांडे ने कहा था कि ये पूरी तरह से बदले की कार्रवाई है। इससे पहले पंकज के खिलाफ कोरोना में अनाज बांटने पर FIR की गई। अब जब पंकज गंभीर मरीज के उपचार के लिए पहुंचे तो वहां उनके खिलाफ कार्रवाई कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।